मेरा YouTube चैनल बना हुआ है। ओहो गाइस, मैं अपना YouTube चैनल भूल चुका था यार, अली मुस्तफा ब्लॉग्स। मगर मैं भूला नहीं हूँ यार, मजाक कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, ठीक है। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा कि यार अली मुस्तफा ब्लॉग्स पे वापस आ जाऊं यार, ठीक है। अगर आप लोग डेली ब्लॉग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स नीचे है, ठीक है, उसको भी भर दिया करो, ठीक है। वो किसी और ने आके नहीं कमेंट करना, आप लोगों ने करना जो भेजता है ब्लॉग, ठीक है। तो यार गाइज, मैंने सोच लिया कि अली मुस्तफा ब्लॉग्स पे भी ब्लॉग्स आने चाहिए, क्योंकि कुछ भाई हैं यार, वो मिलके भी, एक दो भाइयों ने मुझे मिलके भी कहा है, ठीक है, स्पेशली तो रिसेंटली मिले थे, ठीक है, कहते यार ब्लॉग्स नहीं आ रहे अली मुस्तफा ब्लॉग पे। तो अब ब्लॉग स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, दोबारा आने लग गए हैं, ठीक है। तो चैनल को मत सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, से एक हजार क्या हुआ है? क्या हुआ है? जनरेटर उड़ी क्या? ओ, ये मेरा मोबाइल नहीं है। लो गाइस, जनरेटर मैंने ना, इधर आओ, बात तो सुनो, बात तो सुनो, इधर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ, तुम्हें एक और सरप्राइज दूं। गाइस पता क्या हम पूछते हैं, तुम्हें ये फोन पसंद आया? ये वाला कलर तुमने फोन तो खोलना था, मगर ये फोन तुम्हें पसंद आया? ये कलर पसंद है? पर्पल ना लूं? पर्पल ले लूं या ये ले लूं? जल्दी से बता दो, फिर मुझे बता दो। 13 Pro Max लूं या 14? जो मर्जी फोन हो। तो अब इसकी तो अनबॉक्सिंग हुई नहीं थी, ये तो मैंने वैसे ही लेकर आया हूँ। 14 Pro Max ले लूं या 15? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। हैं, 17 भी आएगा इस 13 Pro Max? ये जो है ना, ये लिया था, मगर जन्नत को नहीं पसंद आया, वो कह रही है कि भाई फोन की अनबॉक्सिंग खुद करनी है। तो आपका इस और 14 Pro Max ही ले लें, 14 Pro Max ले लें या 15 ले लें? 15 आया हुआ है तो सोच रहे हैं 15 ले लें फिर, बताओ। लो जी गाइस, 15 Pro Max लेके आते हैं, ठीक है, एक दो दिन में, और जन्नत ही उसकी अनबॉक्सिंग करेगी। एक दो दिन में नहीं, कल ही आ रहा है भाई, कल ही आ रहा है, ठीक है। अगर आपके भाई को मिल गया तो कल ही आ जाएगा, वरना 14 Pro Max लेना है, क्योंकि फोन की जरूरत बड़ी है यार, ये फोन नहीं चल रहा है यार, ठीक है, बस हो गई है, फोन की जरूरत बहुत है, ठीक है। 14 Pro Max ले लें या 15 Pro Max ले लेंगे, ठीक है। तो कल ही ब्लॉग में आप लोगों को यही वाले YouTube चैनल के ब्लॉग में मिलेगा। बाकी बताओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ आज? मैं जा रहा हूँ शादी की शॉपिंग करने। मामू की शादी है गाइस हमारे, ठीक है, उसको जो दूल्हा है उसको बुलाया हमने स्पेशली, ठीक है। हमने कहा तू आ, तुझे आ ऐसी हैवी शॉपिंग कराऊं कि तुझे पता लगे कि शादी पे भाई अली ने तैयार तुझे करवाया, ऐसी शॉपिंग करवा देनी आज को हैवी वाली। जन्ना ने भी शॉपिंग कर ली, सब ने कर लिया, बस आपका भाई रह गया। लो जी गाइस, नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेश हो चुके हैं, नाश्ता मिल चुका है, पराठा साथ दही, ठीक है। नाश्ता खत्म करते हैं, उसके बाद निकलते हैं शॉपिंग पे, ठीक है। अभी वैसे भी मार्केट से यार बंद होगी, 12 बजे खुलेंगे, अभी तो 11 बज रहे हैं, ठीक है, तो घंटे तक निकलते हैं, ठीक है। नाश्ता वाश्ता उतनी देर तक कर लें, तो वहाँ जा कर मिलते हैं आप लोगों को, लेट्स गो। और चैनल को जब तक यार सब्सक्राइब मार लो, ठीक है। जनरल ने मेरे ख्याल से रोटी ख़त्म भी कर ली हुई है यार, इतनी स्पीड है इसकी, अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही किया और इसने रोटी ख़त्म भी कर दी है। शॉपिंग की हो गई है तैयारियाँ शुरू, मामू जी की तैयारियाँ हो गई शुरू, बुला कर आप पहले ही शूज़ रेडी हो रहे हैं, कपड़ों से पहले शूज तैयार, पहले जाते हुए पेंट कोट के साथ पहने ये ना, चाहे वो पेंट कोट है या शलवार कमीज है, इंशाल्लाह खूबसूरत और प्यारा आर्टिकल लगेगा इसका लेफ्ट वाला पॉइंट। तो जी गाइस, शूज़ ले लिए हैं, ठीक है, ये भी 15,000 रुपये के मिले हैं यार, इतनी महंगाई हो गई है यार इधर। मैं तो बड़े दिनों बाद आया हूँ, ठीक है, मम्मी के साथ, तो मम्मी की जी शादी है, आप सूट नहीं हमें पसंद आ रहा थी, सूट इतनी लो क्वालिटी के लगाए, इतनी लो क्वालिटी के, क्या बताऊँ, ठीक है। शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, अभी इसके बाद मैंने भी करनी है, हैदर ने भी, सब ने करनी है, तो लो क्वालिटी की चीज़ें बड़ी लगी हैं, मगर आप लोगों को दिखाता हूँ फिर भी, और प्राइसें 30,000-30,000 है। क्यों हो गया यार, हमारी पता नहीं कब बारी आनी है, मम्मू आ रही है, इसके बाद मम्मू ने ढुलना है, इसके बाद बहुत मसले बनने हैं। गाड़ी
इधर से डायरेक्ट शादी में हाय हाय देखने आ गया, मगर पेंट कोट पसंद नहीं आ रहा यार। जो ओल्ड स्टाइल रखे हैं, ओल्ड फैशन, मामू जी जो है जरा ओल्ड ही फैशन वाले रखते हैं। मैं कह रहा हूँ जरा कोई अच्छा लो, मेहंदी के लिए पिंक सूट दिखा रहा हूँ, ठीक है, पिंक बेस कोट और सब वाइट सूट पहन रहा है कि पहन लिया दिखा रहे जरा, मगर उनका माइंड ही बात सब क्या कह सकते हैं। मगर हमारी शादी पता नहीं कब आनी है यार, हम भी ऐसे शूटिंग शूटिंग करेंगे। इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। किस्मत में नहीं है शादी। ये शॉपिंग हो गया गाइस, ये पैंट कोट फैक्ट ही है। हाय 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 मजेदार, फुल तैयारियां। शॉप पर से आ गए, मामू ने लेने हम दोबारा शूज, ठीक है, शॉपिंग शॉपिंग कर ली है, पैंट कोट ले लिया है, शेरवानी ले लिया है, तीनों दिन का ड्रेस ले लिया, ठीक है। अब आपके भाई किस दिन आएगा, उस दिन आपका भाई शॉपिंग करेगा। चैनल को मैं सब्सक्राइब मार देना, ठीक है, उसके बाद रोटी छोटी खाते हैं, उसके बाद बाकी सीन देखते हैं। स्टे ट्यून्ड जी गाइस, क्या कहते हैं, शॉपिंग शॉपिंग कर ली थी, जरा मैं का कपड़े शपड़े भी चेंज कर लूं, ठीक है, बस शर्ट ही चेंज किया, तैयब सही आ गया। पर तैयब शादी कब मानी है यार, हमाम की शादी आ गई है, मामू की शादी आ गई है, जिसका कोई सीन ही नहीं था, तैयब की शादी रह गई है। तो गाइस मेरी तो आनी नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ और ही मसला है यार, इसकी शादी हो जाए यार, हमारी तो दुआ है यार, कोई नए सूट पहन ले, एक ये देखो वही शर्ट पहनी जा रहे हैं जो पहन ली है। गाइस कसम से मुझे तो, मुझे भी बड़ा क्रेज है अपनी शादी का, आप तो समझ सकते हो, मगर मेरी पता नहीं शादी क्यों नहीं हो रही, ठीक है, मेरी शादी पता नहीं क्यों नहीं हो रही। बाकी अभी रोटी छोटी खाते हैं, ठीक है, उसके बाद जरा स्नूकर का इसका कोई टूर्नामेंट वगैरह है वो देखेंगे, वो शुगर मेला लगाएंगे, ठीक है, पहले रोटी खा लें, बड़ी भूख लगी है, खाना खाते हैं उसके बाद देखते हैं।